गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज पढ़ेंगे महासागर। यहाँ देखिए, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। यह क्या है? तो यह चैप्टर नंबर 4 है, NCERT ज्योग्राफी में 11th का ज्योग्राफी है। और बुक का नाम क्या है? तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसका विस्तार कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आज प्राप्त कर लेंगे। और इससे पहले की जो 3 चैप्टर है वह बनाया जा चुका है, और उसका वीडियो का जो लिंक होगा आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। इससे पहले वाले अध्याय में क्या पढ़े थे हम लोग? भूगर्भ के विषय में, यानी यह पृथ्वी है तो पृथ्वी का यह सतह है, इसके अंदर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे कि यह कोर है, केंद्र है, यह केंद्र मतलब कोर है, इसके ऊपर पूरा मेंटल का यह भाग है, और सबसे ऊपर सबसे पतला परत कौन है? तो पर्पटीय है। क्लियर है? अब हम लोग आज क्या देखेंगे? आज हम लोग ऊपर स्थल मंडल और जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो पूरा जल मंडल है उसको क्या कहेंगे? महासागर। और जो स्थल जमीन है उभरा हुआ वह क्या है? तो वह आपका महाद्वीप है। अगर इसको बनाना चाहते ऐसे बन सकता है। यह देख लीजिए, यह पर्पटी है, पर्पटी का जो ऊपर उठा हुआ भाग है यह महाद्वीप हो गया, और जो नीचे वाला यह सब भाग है यह क्या है? तो यह आपका महासागर है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि 29% भाग पर ही मात्र महाद्वीप है, और शेष पर महासागर फैले हुए हैं। महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट, महासागर यानी ओशियंस की अवस्थिति, जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देता है, पहले ऐसा नहीं था, यानी हमेशा से ऐसा न था। यानी यह गतिशील है, परिवर्तनशील है, मूवेबल है, यह जो मन में आए इसके बारे में आप कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि यह गतिशील है, मूवेबल है, तो हमेशा गतिमान है। जो आज का जो रूप है ऐसा थोड़े है कि बाद में ऐसा ही रहेगा, ना रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि पूरा काल में उनकी अवस्था या उनकी अवस्थिति कैसी थी जब आज ऐसी है? तो बताइए, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है? यह दूसरा क्वेश्चन। यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्र है वह 6371 किलोमीटर है ये गहराई। यहाँ तक मानो आज तक मात्र अधिकतम कोला प्रायद्वीप में 12 किलोमीटर तक ही ड्रिलिंग कर पाया, तो फिर इसके बारे में अंदर इतना जानकारी कैसे प्राप्त किया? तो उसके कुछ प्रत्यक्ष साधन और कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत है, जो हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी क्या देखे थे? भूकंप, ज्वालामुखी, और यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधन के रूप में हम लोग पढ़े थे। उन्होंने इन महाद्वीपों एवं महासागरों को की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय का विषय है। सबसे पहला मतलब सिद्धांत है कि बताया जाएगा कि महाद्वीप और महासागर जो आज इस स्थिति में हैं कैसे हैं, अगर उनका विस्थापन हुआ तो कैसे विस्थापन हुआ, क्यों हुआ, ये सब कुछ हम लोग आज जानेंगे। पहले देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह यानी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब जो कॉन्टिनेंट है यह प्लास्टिक मंडल है नीचे, यानी दुर्बलता मंडल, जो 200 किलोमीटर नीचे स्थित है, वह लिक्विड है, सेमी लिक्विड, टोटल लिक्विड नहीं, पानी की तरह नहीं है, वह जेल की तरह है। उसके ऊपर से जो हम लोग का जो स्थल है या पर्पटी कहेंगे, वह तैर रहा है। तो क्यों तैर रहा है, कैसे तैर रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, अटलांटिक महासागर वो कैसा है? वह एस आकृति का महासागर है, जिसके पश्चिम में यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर अमेरिका में उत्तरी अमेरिका है, यह उसका पतला मध्य अमेरिका के देश हुए, और नीचे यह आपका क्या होगा? तो दक्षिण अमेरिका के देश हैं। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा कनाडा है, फिर अमेरिका है, और यहाँ पर छोटा सा मेक्सिको है। फिर मध्य अमेरिका में लगभग 6-7 देश हैं, जिसमें पनामा, होंडुरास, इक्वाडोर, बेलीज, होंडुरास, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे देश हैं। और फिर दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, एक लंबा देश आपको चिली मिलेगा, फिर अर्जेंटीना है, दो लैंडलॉक कंट्री है, पराग्वे और उरुग्वे ही शायद दोनों के नाम हैं, फिर आपको मिलेगा कोलंबिया है, वेनेजुएला जिसका अमेरिका से विवाद होते रहता है, फिर फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम है, टोबैगो, ट्रिनिडाड, और सारे बहुत सारे देश हैं, कोलंबिया भी है, ये सब देश हैं।
और यह बीचों बीच यह क्या है तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर के जो उत्तरी क्षेत्र यानी जो अमेरिका यहाँ पश्चिम में हुआ और जो अमेरिका के सामने जो पूर्व में है तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का द्वीप समूह है। और फिर पूरा का पूरा यह यूरोपीय महादेश है। और यहाँ पर जिब्राल्टर के द्वारा जो संधि जिब्राल्टर की संधि है इससे अफ्रीका अलग होता है और नीचे अफ्रीका महादेश है। क्लियर है, इन सब में बहुत बहुत सारे देश है, जैसे अफ्रीका महादेश में लगभग 54 है और अमेरिका में यूरोप में 51 देश है। यही आपके अटलांटिक महासागर की स्थिति हो गई। और उसके बीच में क्या था, क्योंकि वह जो एस आकार का है उसके बीचों बीच एक कटक है जिसका नाम क्या है तो मध्य महासागरीय कटक। वह भी कैसा है, वह भी एस की आकृति का तरह ही है और उसमें से बार बार लावा का जो उद्गार होते रहता है। इस तरह से वह विशाल भीम का कहें कि एक पहाड़ के रूप में बन चुका है और जिसकी लंबाई लगभग 70,000 किलोमीटर में विस्तृत है। यह किया, यह पहाड़ हो गया। अब ऐसा इस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ का जो स्थल है यह दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, जिससे नीचे से क्या होगा, स्राव होगा। किस चीज़ का स्राव हो रहा है तो नीचे से आपको मैग्मा निकलता है और मैग्मा के निकलने से यहाँ पर दरारी उद्भेदन हो रहा है और यहाँ पर पहाड़ का निर्माण हो गया। क्लियर है, अब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति है, यानी दोनों बराबर है। लगे जैसे कि रोटी के टुकड़े को किसी ने तोड़ दिया हो, अगर इसको चाहे सटा देना तो सटा दे सकते हैं। जैसे कि कुछ वैसे पहाड़ जो यूरोप यूरोप में कौन तो स्कॉटलैंड में कुछ जैसे पहाड़ हैं, लगता है कि जैसे कि वो पूरा का पूरा पहाड़ था और बीच में से एक अवयव टूट गया है। और उसका आधा भाग कहाँ मिलेगा तो आपको अमेरिका और कनाडा में मिलेगा। इसी तरह जो अफ्रीकी या दक्षिण अमेरिका है इसका जो इस तरह का मैप देखिएगा और अफ्रीका है उसका ये मैप, ये दोनों लगेगा कि दोनों लगा दिया जाए साथ में दोनों आपस में एक हो जाएंगे। फिर गिनी की खाड़ी, यहाँ पर गिनी के पास और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में दोनों में प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं, यानी कि सोने की का निक्षेप है। और दोनों में एक समान तरह के ही पेलियोजोइक के एविडेंस मिलते हैं, इसे लगता है कि दोनों कभी साथ में एक साथ ही रहे होंगे। देखिए इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने उत्तर व दक्षिण अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के साथ एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त किया। वैज्ञानिक के इतिहास विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम आर टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो प्लेगरिनी मतलब कि सबसे पहले व्यक्त कौन किया, कि पहले सब साथ में थे तो नाम था उनका अब्राहम आर टेलियस। क्या नाम था, अब्राहम आर टेलियस, उन्होंने इस संभावना को व्यक्त किया था। और एंटोनियो प्लेगरिनी ने क्या कहा, देखिए उन्होंने एक मानचित्र बनाया और मानचित्र में क्या था, जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। इस सिद्धांत मतलब क्या था, यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। इन्होंने ही बताया था कि पहले एक सुपर इम्पोज महाद्वीप था जिसका नाम पेंजिया था, एक महान महासागर था जिसका नाम पेंथलासा था और पेंजिया बीच में से टूट गया। उत्तर वाला भाग उसका अंगारा लैंड कहा, दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड कहा गया। उत्तर वाले भाग में कौन आएगा, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के भाग जैसे कि चाइना और रसिया। फिर आपका उत्तर अमेरिका का भाग आता है और जो गोंडवाना लैंड था इसमें दक्षिण अमेरिका अफ्रीका के कुछ भाग भारत मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका ये सब क्या थे, तो ये सब गोंडवाना लैंड के भाग थे। और बीच में एक भूसन्निति बनी यानी एक नया महासागर बना जिसका नाम टेथिस सागर था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। और आगे देखिए वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया और पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को इन्होंने पेंथलासा नाम दिया जिसका अर्थ होता है जल ही जल।
वेगनर के तर्क के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पहले ऐसा हुआ था। क्लियर है? तो अब कि उन्होंने बाद डेटलाइन ठीक फिक्स कर दिया, 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप पिंडो लॉरेंसिया यानी उत्तरी क्षेत्र और गोंडवानालैंड यानी दक्षिणी क्षेत्र क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेंसिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बट गए जो आज के महाद्वीप के रूप में हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए, इनमें से कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि ये अल्फ्रेड वेगनर थे क्या? याद कीजिए वे वैज्ञानिक न थे, न वे ज्योग्राफर थे, वह थे प्राणी वैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट थे। लेकिन जब पूरे जगह अध्ययन किए तो उनको फॉसिल्स का जो उदाहरण मिला उसमें उनको एक रूपता नजर आई जिसे उन्होंने इस सिद्धांत को जन्म दिया। और यह उस समय तो कहा गया कि यह कल्पना है, हाइपोथेसिस था, लेकिन और कारण कि वेगनर भी इसको सही न कर पाए थे, साबित न कर सके थे। कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसका जवाब वेगनर के पास न था। लेकिन बाद में जब महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यानी डिप थ्योरी, प्लेट टेक्ट्रोनिक थ्योरी सब सामने आएगा, उससे जो वेगनर का जो सिद्धांत था उसको बल मिला। देखिए एविडेंस ऑफ या एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, मतलब कि अल्फ्रेड वेगनर के पक्ष में प्रमाण क्या क्या है? महाद्वीपों में साम्य यानी लगता है कि जैसे कोई एक रोटी है जो रात को बना दीजिए और छोड़ दीजिए उसको तो सुबह तक वह कड़ा हो जाता है और उसको जिधर चाहें जैसे मोड़ी उधर टूट जाएगा और फिर उसको अलग रखिए फिर पास में लाइएगा तो वह एक हो जाएगा। तो लगता है कि जैसे जो सारे महाद्वीप हैं वह अलग अलग टूट कर हो गए हैं, उनको साथ लाइएगा तो एक हो जाएगा। जैसे दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के सामने आमने सामने की तटरेखाएँ अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखती है वाली बात है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 ईस्वी में बुलॉर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बैठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। यानी 1000 फैदम मतलब एक फैदम बराबर क्या होता है? लगभग 6 फीट होता है। मतलब उसे गहराई में मिलाए थे, ऊपर नहीं। ऊपर तो अपक्षय और अपरदन का प्रभाव पड़ा है। दूसरा देखिए महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, यानी दोनों तरफ आपके जो महासागर हैं उसका जो चट्टान है उसके एज में समानता है। जैसे आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्री के काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट तथा पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है जो क्या है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अफ्रीका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जो जुरैसिक काल के हैं, इससे यह पता चलता है कि कभी इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। दूसरा एक और उदाहरण देखिए टिलाइट। तो यह टिलाइट क्या है? टिलाइट वे औषधि चट्टान हैं जो हिमानी निक्षेप से निर्मित होते हैं। यानी कि वह जो इलाका था पहले वहाँ ठंडा रहा होगा, या तो मौसम बदल गया या महाद्वीप ही ठंडे मौसम के पास चले गए होंगे। जैसे भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न असल खंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं जो विस्तृत और लंबे समय तक हिमावरण या हिमाच्छादन की का इशारा करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त कहाँ कहाँ मिलता है? देखिए अफ्रीका जो कि विषुवत रेखा के नज़दीक है, फॉकलैंड द्वीप यह भी विषुवत रेखा के नज़दीक है, मेडागास्कर यह भी विषुवत रेखा के नज़दीक है, अंटार्कटिका व ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन असल खंडों के इतिहास में भी समानता रही हो। कोई ऐसा थोड़ी है कि जहाँ आज विषुवत रेखा है वहाँ पर कभी और मौसम ठंडा हो गया हो और वहाँ पर जब हिम काल आया होगा तो वहाँ पर बर्फ जम गया होगा, ऐसी तो संभावना कम ही है। क्योंकि आज जानते हैं हम लोग कि प्लेटों के अंदर मूवमेंट है, इसे साबित होता है कि महाद्वीप ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनका प्रवाह हुआ होगा।
हिमानी निर्मित ट्रिलाइट चट्टाने पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के अस्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। और प्लेसर निक्षेप, यह क्या? देखिए, घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। यानी कि घाना का तट कहाँ? तो घाना का तट आपको मिलेगा अफ्रीका में, और वहाँ पर सोने के बड़े निक्षेप उपस्थित है, लेकिन जो उसका प्राइमरी रॉक है उसकी अनुपस्थिति है। और सोना युक्त सिराएं ब्राज़ील में पाई जाती है, यानी उसका जो प्राइमरी रॉक है वह ब्राज़ील में है, उसका जो निक्षेप मिलता है वह घाना तट पर मिलता है। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। आगे देखिए, जीवाश्मों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसा भी बात नहीं है, तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती है। इस प्रेक्षण से कि लेमूर भारत मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। कहाँ थे लेमूर? भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान सॉरी भारत मेडागास्कर और अफ्रीका में, तीनों कहाँ हैं? तो भारत आपको यहाँ मिलेगा, यह एशिया में है। मेडागास्कर यह अफ्रीका के पास इस तरह का एक द्वीप है लंबा सा, और जो आपका और अफ्रीका यानी जो अफ्रीका का मुख्य भूमि है उसमें तो तीनों जगह लेमूर की उपस्थिति है। इससे क्या साबित होता है? कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक सतत स्थल खंड लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है, यानी जहाँ लेमूर रहते हैं वह इलाका हो गया लेमूरिया। इसी तरह मेसोसारस का क्या था? यह मेसोसारस नाम के एक छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते, यानी सकरा पानी, छिछला सागर। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील के इरावर सेल समूह में ही मिलते हैं। बताइए, यह दक्षिण अफ्रीका यहाँ अगर हो गया और अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है? तो अफ्रीका महादेश आपका यहाँ पर हुआ। दोनों के बीच में क्या है? तो दोनों के बीच में अटलांटिक महासागर है। तब कैसे दोनों आपस में, मतलब कि दोनों कभी साथ थे? तो इनकी अस्थियाँ दोनों जगह मिलती है, और इन दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इनके बीच एक महासागर विद्यमान है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। अब हम लोग देखेंगे जब ऐसा हुआ, क्योंकि अब साबित हो गया, मान लेते हैं अभी के हिसाब से कि चलिए सारे जो महाद्वीप से पहले एक थे टूटकर अलग हो गए, तब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इनका ड्रिफ्टिंग हो गया, यानी प्रवाह संबंधी बल, फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। ऐसा क्या हुआ कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान तक उतना बड़ा शक्तिशाली इलाका चला गया? वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे, इसी पर इनको विवाद हो गया जिसका यह जवाब न दे पाए थे। पहला, पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल। यह क्या होगा? यह पृथ्वी है। हम लोग जानते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी का मूवमेंट है, और पृथ्वी की गति अचानक है, बहुत तेज है, जिस कारण जो अंदर का जो ठोस पदार्थ है जैसे कि नीफे कोर, वह तो सही रफ्तार से घूर्णन कर पाया, लेकिन जो ऊपर का जो स्थल खंड था वह इसकी गति में पिछड़ गया, जिससे क्या हो गया कि जो सारे महाद्वीप थे वह और कहाँ चला जाएगा, सबके ऊपर की केंद्र की ओर जमा होना आरंभ हो गया, जिससे इनमें मूवमेंट हुआ। दूसरा है ज्वारीय बल यानी चंद्रमा की शक्ति। देखिए, ज्वारीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की यहाँ जो पहले देखेंगे हम लोग, ये पोलर यानी ज्वारीय फ्लाइंग बल, यह ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल है जो वेगनर महोदय ने सुझाया, वह था ज्वारीय बल, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्ष के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त मानते हैं। ऐसा क्यों? पहला का विकल्प क्यों है? क्योंकि पृथ्वी बीच में न मोटा है,
लेकिन जो सारे महादेश हैं वह कहाँ चले गए? तो ये तो उत्तरी गोलार्ध में ही अधिकतर महादेश हैं, महाद्वीप हैं। अतः अगर उनका, वैज्ञानिक महोदय का अगर बात सही होता तो सारे महादेश या महाद्वीप होते, उनका जो प्रवाह होता वह इस तरह से होता और जो सारा का सारा जो असल होता वह विषुवत रेखा के आसपास होता, लेकिन वैसा तो नहीं है। दूसरा कारण इन्होंने बताया कि टाइडल एनर्जी, यानी कि जो चंद्रमा है यह पृथ्वी से बहुत छोटा है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी का 1/6 भाग है और इसकी इतनी ही हिमाकत कि वह इतना फोर्स लगाए कि पृथ्वी के जो महाद्वीप हैं इन्हीं को विस्थापित कर दे। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देती, अगर घूर्णन करना बंद कर देती तो आज पृथ्वी होता ही नहीं। पृथ्वी का क्या होता तो कल्पना ही कर सकते हैं। इससे यह दोनों जो वैज्ञानिक महोदय थे, इनका जो यह तर्क था यह निराधार हो गया, मतलब कि इसका कोई आधार न बचा और इसको साबित न कर पाए। लेकिन फिर भी वो लगे रहे, बहुत सारे वे प्रयोग करते हैं लेकिन उनसे न हो पाया। बाद में नया सिद्धांत आएगा, उसका नाम है संवहन धारा सिद्धांत, यानी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। यह कब आएगा? 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की थी। मेंटल यानी कहाँ? देखिए, यह मान लेते हैं यह मेरा सिमल रोग फंस गया है मोबाइल, तो यह आपका कोर है और कोर कहाँ तक रहता है? 2900 किलोमीटर। मतलब यह पृथ्वी का केंद्र कितना होगा? तो 6371 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक कोर है। इसमें एक इनर कोर और एक आउटर कोर होगा, उसके ऊपर यह 2900 किलोमीटर से ऊपर लेकर क्या होगा तो मेंटल होगा, और ऊपर मात्र 35 किलोमीटर मोटी कौन है तो पर्वतीय है। तो जो कहा जाता है कि जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वह नीचे लावा जो पहले मैग्मा के रूप में चिंबर में रहता, कहाँ रहता है? वह मेंटल में ही रहता है। तो मेंटल में ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, फिर दाब और ताप के बढ़ने के कारण यहाँ पर और रेडियो एक्टिव पदार्थ के ऊर्जा उत्सर्जन के कारण यहाँ पर संवहन धाराएं चलती है। जो यह चेंबर होगा जहाँ पर यह केंद्र है, यहाँ से क्या होगा? संवहन धाराएं इस तरह से ऊपर उठेगी, तो यह ऊपर उठ रही है और यहाँ से भी इस तरह से यह ऊपर उठेगी। अगर ऊपर उठ रही है कहीं धारा तो कहीं गिरेगी भी नीचे, तो यहाँ पर कुछ दूर पर जाकर फिर नीचे गिरी। इसी तरह से पूरे पृथ्वी में यह एक सेल की तरह बना हुआ है और जहाँ पर धाराएं ऊपर उठती हैं वहाँ पर क्या होगा? प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी और जहाँ पर ये धाराएं नीचे गिरेगी वहाँ पर प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक जमा हो जाएगी। इसी का क्या होगा? एक दूसरे से महाद्वीप दूर जाएंगे और एक दूसरे के महाद्वीप नज़दीक आएंगे। चलिए पढ़ते हैं संवहन धारा सिद्धांत। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती है। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन को नकार दिया था। यानी जब यहाँ देखिए कहाँ गया, ये संवहन धारा सिद्धांत क्या है? तो इससे जो वैज्ञानिक महोदय का जो सिद्धांत था यह उसको आस जगी, क्योंकि इन्होंने साबित किया कि ऐसा हो सकता है कि महाद्वीप का मूवमेंट हुआ हो। महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर। मतलब पहले यानी वैगनर और ये क्या नाम इनका है तो आर्थर होम्स, जिससे संबंधित संवहन धारा सिद्धांत। इस समय से क्या माना जाता था कि जो महासागर हैं वह अंदर एकदम इस तरह से प्लेट की तरह होगा, एकदम अंदर चिकना होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब विश्व युद्ध होता है, विश्व युद्ध के समय में दो, एक जर्मन था और एक अमेरिकन लोग थे मुख्य रूप से, यही ना दो देश थे। अमेरिका में आप कहेंगे इंग्लैंड, फ्रांस, बहुत सारे देश, जर्मनी में जर्मनी था, इटली था और जापान था। तो समुद्र का भी अन्वेषण हुआ क्योंकि इस समय पनडुब्बी का आविष्कार हो चुका था और इस पनडुब्बी की सहायता से समुद्र के अंदर तक जाने का मौका मिला। जब वैज्ञानिक अंदर गए तो उन्होंने देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने समझ गए जैसे ऊपर बनावट है, कहीं पहाड़ है, कहीं खाई है, कहीं मैदान है, कहीं छोटा पठार है, कहीं इस तरह का पठार है, तो इस तरह के अंदर भी आकृतियों की भरमार है। तब जाकर सही मायने में पता चला कि महासागरों की बनावट कैसी है और उसके बाद उस पर और अधिक विस्तृत खोज हुआ, शोध हुआ। यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, वरन उनमें भी ऊंचावच पाया जाता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद महासागरीय अधस्थल के निरूपण अभियान में महासागरीय ऊंचावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई
और यह दिखाया गया कि इसके अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटके व गहरी खाइयां हैं जो प्रायः महाद्वीपों के किनारों पर स्थित हैं। यानी अब क्या समझे, जो महाद्वीप का किनारा है वहां पर खाई है। यहां पर क्या होगा इस तरह से, मतलब यहां पर क्या है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी नीचे यहां पर संवहन धारा की उठती हुई संवहन धाराएं हैं। क्लियर है? तो यहां पर जो प्लेट एक दूसरे से दूर चला गया, जो यह महाद्वीप है मान लेते हैं, यहां पर क्या होगा, यहां पर इधर से भी प्लेट आया और यह महाद्वीप का प्लेट है, इन दोनों में यहां पर टक्कर हो रहा है। यानी कि यहां पर क्या है, तो यहां पर जो संवहन धाराएं हैं वह नीचे की तरफ गिर रही है। जब संवहन धाराएं नीचे की तरफ गिरेगी तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरह का इलाका हो जाएगा, यानी कि जो महासागरीय प्लेट है वह नीचे जाएगा और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर है, जिससे यहाँ पर खाई जन्म होगा। और जो महासागर में जहाँ पर संवहन धाराएं ऊपर उठ रही उसमें नीचे से लावा का उद्गार, मैग्मा का उद्गार होगा, जिससे यहाँ पर कटक का निर्माण होता है। यही इनके कहने का मतलब है कि प्रायः महाद्वीपों के किनारे पर स्थित क्या है, तो वहाँ पर महासागरीय कटक पाई जाएगी और जो बीच में अधस्थल यानी जो महासागर के मध्य में जलमग्न पर्वतीय कटके हैं वह गहरी खाइयाँ हैं। और यहाँ देखिए हो गया, और मध्य महासागरीय कटके ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे सक्रिय पाई गई हैं। महासागरीय पर्पटी की चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। क्यों? क्योंकि यह देखिए इस तरह से यहाँ पर कटक है, यहाँ पर इस तरह से लावा या मैग्मा ऊपर निकलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों तो नीचे चला जाएगा, बेनी इसको बेनी जोन कहेंगे, तो यहाँ पर ये नीचे गया तो यहाँ पर फिर यह गल जाएगा और यह पिघल कर फिर यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ पर उड़ती हुई तरंग धाराओं के साथ फिर से यह बाहर निकल जाएगा। यानी एक चक्र इस तरह से यह पूरा होते रहता है। और यह मात्र जो महाद्वीप है, महासागर है, उसके अंदर की चट्टानें ज़्यादा अधिक पुराना नहीं है, उसके अपेक्षा में यानी जो महाद्वीप पर पाई जाने वाली चट्टानें हैं वह बहुत प्राचीन हैं। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। क्यों न पाई जाए, क्योंकि यहाँ पर तो इस तरह से उद्गार होगा, एक बार इधर होगा तो इधर भी होगा, फिर इधर होगा तो इधर होगा, इधर होगा तो इधर होगा, यानी और हर बार तो यह जमीन कुछ थोड़ा दूर इधर, कुछ थोड़ा दूर इधर, इधर उधर खसकते चला जाएगा। तो हम यह ए है तो यहाँ भी ए, यह बी है तो यहाँ भी बी, तो ए का जो एज होगा वह ए के बराबर, बी का एज होगा वह बी के बराबर ही आपको आएगा। उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। यहाँ देखिए, प्रत्येक तल से ऊंचा संचय क्षेत्र यानी गंभीरतम महासागर तो यह इलाका हो गया पूरा, मतलब यह फ्लेट लैंड्स है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्या हो गया, यहाँ पर ढाल कम हो गया और मैदान इसके नीचे, यहाँ से मैदान शुरू होगा। और यहाँ पर क्या है, यह समुद्र तल है, समुद्र तल के बाद क्या होगा, यह महाद्वीपीय सेल्फ होगा, यानी कि महाद्वीप का डूबा हुआ भाग, उसको क्या कहेंगे, महाद्वीपीय सेल्फ या महाद्वीपीय मगन तट। और उसके बाद फिर महाद्वीपीय ढाल, क्योंकि यहाँ पर ढाल अधिक खारा हो जाएगा, उसको कहेंगे महाद्वीपीय ढाल। और उसके नीचे जाएंगे तो क्या होगा, महाद्वीपीय बेसिन यानी महाद्वीपीय मैदान, वह क्या है, वह आपको एकदम फ्लैट लैंड यानी मैदान की तरह मिलेगा। और उसका कहीं कहीं आपको मिलेगा, उसको कहेंगे महाद्वीपीय गंभीरतम महासागर या गर्त, जो एक भाई ही बहुत अंदर गड्ढा चला गया हो, हम लोग इन सब के बारे में जानते हैं। महासागरीय अधस्थल यानी ओशियन फ्लोर का यह एक डायग्राम है। यहाँ पर देखिए यह क्या है, तो यह किलोमीटर में है और यह गहराई है, नीचे की तरफ जाने पर गहराई बढ़ता जा रहा है। तो चलिए कुछ समझते हैं। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृतियां हम लोग अध्याय 13 में विस्तार से पढ़ेंगे यानी आगे पढ़ेंगे। वर्णित है कि गहराई व ऊंचावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, यहाँ देखिए, यह महासागर है, सॉरी यह महाद्वीप हो गया, एक मिनट चलिए बनाते हैं एक मैप।
यह आपका महाद्वीप है और यहाँ से यह समुद्र शुरू हो गया। लेकिन जो महाद्वीप का पहले डूबा हुआ भाग है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग उसको क्या कहेंगे, महाद्वीपीय मगन तट। उसके बाद उसका ढाल एक भाई अचानक बढ़ जाएगा, उसको कहेंगे महाद्वीपीय मगन ढाल, और उसके नीचे ढाल खत्म हो जाएगा। वह इस तरह से इलाका है, वह महासागर का बेसिन है। इसी में आपको कहीं खाई मिलेगा, कहीं पहाड़ जैसा कोई माउंट है, कहीं इस तरह का इलाका है, कहीं इस तरह का है। इन तरह की बहुत सारे प्रकृति है। देखिए महाद्वीपीय सीमा यानी महाद्वीप का सीमा कहाँ तक है, फिर गहरे समुद्री बेसिन और मध्य महासागरीय कटक यानी महासागर के अंदर पहाड़। महाद्वीपीय सीमा यानी कॉन्टिनेंटल मार्जिन, तो यह यहाँ तक है। ये देखिए ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग होता है, यानी गहरे महाद्वीपीय जो किनारे हैं, महाद्वीप का जो किनारा होगा यानी जो समुद्र में डूबा हुआ है मान लेते हैं उसको किनारा, उसमें क्या क्या आएगा। पहला, इसमें महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उभार यानी महाद्वीप का कहीं कहीं उभार है वो भी आएगा, और गहरी महासागरीय खाइयां यानी इस तरह से इलाका। लेकिन यहाँ पर क्या भाई, इस तरह से खाई गड्ढा है या खाइया आदि शामिल है। महासागरों व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक होते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे लोग, ट्रेंच कहते हैं। जैसे सबसे बड़ा गहरा कौन है, तो मारियाना ट्रेंच कहाँ है, तो फिलीपींस खाड़ी के पास स्थित है प्रशांत महासागर में। वितरीय मैदान, ये देखिए अबेसल प्लेन्स, ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। यहाँ देखिए मतलब यह मग्न महाद्वीपीय ढाल है, सॉरी तट है, फिर आगे का भाई गहराई बढ़ गया, ढाल बढ़ गया, तो यह क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय ढाल। इसके नीचे यह मैदान है और मैदान में ही यहाँ पर क्या मिलेगा, नीचे से सॉरी यह इधर जाएगा, मतलब कि यहाँ पर क्या है, तो संवहन धाराएँ, जो उठती हुई संवहन धाराएँ हैं, जिस कारण यहाँ पर क्रेक आएगा। तो क्रेक आएगा क्या होगा, तो यहाँ पर से मैग्मा का प्रवाह होगा, निकलेगा, और इस तरह से कटक का निर्माण होता है। यह जो महाद्वीप के बीच में जो अंदर बेसिन है, मैदान है, उसमें इस तरह की आकृति पाई जाती है, यानी कि है एक पहाड़ी कहिए इसको। वितरणीय मैदान वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा, वितरणीय मैदान यानी ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटक, बीच में जो कटक है वह लास्ट पॉइंट है, और जो महासागरीय तट है यानी जो तट हो गया, इसके बीच का यह इलाका है। और इसमें क्या होगा, जो महाद्वीप तो आपको यहाँ महाद्वीप हो गया, ऊंचाई पर यह आपका ढाल है, सॉरी यह महाद्वीप मगन महाद्वीपीय तट है, इसके नीचे यह ढाल हो गया, अधिक इसका ढाल है, और यह मैदान है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो यह कटक है। लेकिन जो नदी है इस तरह से यहाँ जल प्रवाहित करेगी, तो जो उसका निक्षेप होगा यहाँ थोड़ी रुकेगा, वह आकर यहाँ जमा होगा, कहाँ होगा, तो यहाँ आकर जमा होगा। यही वितरीय मैदान वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। दूसरा देखिए मध्य महासागरीय कटक यानी मिड ओशियनिक रेंज, तो मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखियों की जानकारी दी थी, हम पढ़ चुके हैं, वह वीडियो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण। भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण का जो चित्र था वह वहाँ देख सकते हैं। पहले जाकर उसमें क्या मिलेगा आपको, जो प्रशांत महासागर है इसके जो चारों तट रेखाएँ चारों तरफ से, यानी इसके जो पूर्व में क्या है, तो इसके पूर्व में अमेरिका के तट, फिर नीचे जाएंगे तो दक्षिण अमेरिका के तट, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान तट, इसके किनारे पर बसे हुए देश हैं। और सब में क्या है, तो सब में चारों तरफ इसी में इस क्या नाम है, रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के 70% से अधिक जो ज्वालामुखी है यानी 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इसके किनारों पर अवस्थित हैं, और सब के सब सक्रिय है। इसी को क्या कहा जाता है, यह एक गोलमाला की तरह बना देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है रिंग है, अंगूठी की तरह, रिंग ऑफ फायर इसका नाम है। अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे हम लोग, यानी अब हम लोग बात कर रहे हैं
अटलांटिक महासागर के जो ये अटलांटिक महासागर एस टाइप का है उसके बीच में आपको इस तरह का आकृति मिलेगा। और यही क्या है, यही कटक है, यानी यह भी तो एक ज्वालामुखी है, लेकिन यह दरारी उद्भेदन हो रहा है जिस कारण हम लोग को इसमें से ज्वालामुखी की जो पर्वत है, जो भयंकर विध्वंसक ज्वालामुखी है, वह देखने का मौका न मिलता है। लेकिन यह भी तो लावा यानी कि मैग्मा के उद्गार से ही बना हुआ है। तो एक बिंदु देखेंगे, कह रहा है अब कल्पना कीजिए, यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय महाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में बंट जाती है, जिसकी एक शाखा यहाँ देखिए, यह मध्य महासागर, यह कटक है, जो कहाँ है तो यह अटलांटिक महासागर में है। इसकी एक शाखा कहाँ चला गया, यह इंडियन ओशियन में। एक शाखा इसका चला जाएगा प्रशांत महासागर में, और प्रशांत महासागर में, यह प्रशांत महासागर के तट के साथ साथ यह ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला बनाएगा। और जो यह कटक है, यह कटक के उभार भी इसके साथ साथ है, और यह भी फिर यह कहाँ गया, इंडिया यहाँ पर है, तो इंडियन ओशियन में इधर से पहुँच गया। तो मैप को और गोला करके बनाइएगा तो समझ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है। तो पूर्वी अफ्रीका कहाँ हुआ आपका, तो यहाँ देखिए, यह इंडियन ओशियन में एक आया और वहाँ से यह पूर्वी अफ्रीका यानी इस ओर चला गया, या अटलांटिक क्षेत्र से यह पूर्वी अफ्रीका की ओर चला गया, ये दोनों हम लोग बात कह सकते हैं। दूसरी म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी पर एक ऐसी ही रेखा से मिल जाती है। हम लोग यह भी पाएंगे कि यह भूमध्य रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है, यानी समान है। भूकेंद्रीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला यानी शेडेड बेल्ट के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागर के किनारों के समरूप स्थित है। देखते हैं क्या यह हिमालय के समीप भी दिखाया गया है, इसमें पूरा पिक्चर नहीं है, लेकिन यह भी तो आगे यहाँ पर हिमालय है, हिमालय के साथ ही यह गया हुआ है। हाँ यही आया यहाँ, यह देखिए जो म्यांमार तक है, यह म्यांमार आपका यहाँ होगा। प्रशांत महासागर के किनारों के समरूप है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर हैं। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। सागरीय अधःस्थल का विस्तार, जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है कि प्रवाह उपांत यानी प्रवाह का जो किनारा होगा, अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जो कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से कुछ तथ्य दिए हैं, जैसे पाला देखिए, यह देखा गया है कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार समान क्रिया है, और यह उद्गार उस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा पैदा कर देते हैं, यानी वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में लावा निकलता है। दूसरा, महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में समान चुंबकत्व ध्रुवन पाई जाती है, और तथा ये चट्टानें नवीनतम हैं। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। महासागरीय पर्पटी की चट्टानें महाद्वीपीय पर्पटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई है। महासागरीय पर्पटी की चट्टानें कहीं 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। यहाँ देखिए, जब तक हम लोग पहले बता रहे थे हम आपको, उसी का यहाँ विस्तृत रूप से यह पिक्चर दिया गया है। यह बीच में क्या है आपका, यहाँ पर देखिए, यह दुबलता मंडल है टोटल, यहीं पर मैग्मा के चेम्बर हैं, और यहाँ पर जो ऊपर उठता हुआ जो लावा है, जिससे क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तट जो प्लेट है एक दूसरे से दूर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर अपसारी प्लेट सीमा का निर्माण होगा, और जिससे क्या निर्माण होगा, तो यह जो कटक है इससे कटक का निर्माण होगा। तो यह क्या है, यह कटक है, और जो ज्वालामुखी डायरेक्ट फाड़ कर बाहर निकलते हैं वहाँ से ज्वालामुखी गुंबद यानी पहाड़ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी यह अपसारी प्लेट सीमा है।
और इसमें क्या खासियत होगा, यह अगर बीच से इसको काट दीजिए, इधर का जो आयु है वह इसके समान, इधर का आयु इसके समान, इधर का आयु इसके समान होगा। और यही जो यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर दूसरा एक इलाका है, यह ओशियनिक, ओशियनिक प्लेट हो सकता है, ओशियनिक महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, या महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर एक दूसरे का जब मिलाव होगा तो इस इलाके को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लोग बेनियफ जोन, यानी जो एक भारी चट्टान मतलब प्लेट है वह नीचे जाएगा और हल्का चट्टान ऊपर आएगा। तो किनारा है और ऊपर वाला चट्टान जो प्लेट है वह कमजोर होगा, तो इसको फाड़ कर यहाँ पर क्या होगा, ज्वालामुखी का निर्माण होगा। इसको कहेंगे अभिसारी प्लेट सीमा, यानी कि विनाशकारी प्लेट सीमा, यानी दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और अगर यही प्लेट ऊपर वाला बहुत मजबूत हो गया तो हिमालय जैसा पर्वत का निर्माण हो जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए, महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट का होना आवश्यक होता है। अगर महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का किनारा है, जैसे कि जापान तट या ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस तट इंडोनेशिया के तट, तो क्या होगा वहाँ पर, अगर महाद्वीप महासागर का तट है तो वहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण होगा। अगर महासागर महासागर के प्लेट का आपस में इस तरह से कन्वर्जन हो रहा है तो वहाँ पर द्वीप का निर्माण होगा। अगर महाद्वीप महाद्वीप के प्लेट प्लेटों का आपस में सब मर्ज हो, मतलब कि कन्वर्जन होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पहाड़ का निर्माण होगा, यानी ललित पर्वत का निर्माण होगा। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान हैं। इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस यानी हेरी हेस ने 1961 में यह परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधरतल विस्तार यानी सी फ्लोर स्प्रीडिंग के नाम से जाना जाता है। हेस ने क्या बताया कि उनके तर्क के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय प्रपटी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय प्रपटी को दोनों ओर धकेल दिया। इस तरह से यह बार बार यह प्रक्रिया चलती रही और ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते रहे और यहाँ से नया नया मैग्मा इस तरह से बाहर निकलते रहा। क्लियर है, इस प्रकार महासागरीय अधःस्थल का विस्तार हो गया, यानी महासागर का जो इलाका है वह बढ़ गया, लेकिन पृथ्वी तो जितना ही बढ़ा है, पृथ्वी बढ़ा है नहीं बढ़ा, तब क्या होगा, महासागरीय प्रपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना, इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार तो दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर, हेस ने महाद्वीपीय प्रपटी के क्षेपण की भी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर धाराएं ऊपर उठ रही हैं, तो जहाँ पर धाराएं गिरेंगी वहाँ पर तो एक दूसरे से पास में आएंगे, यानी कि यहाँ पर जो गेन हुआ यहाँ पर वो लॉस हो जाएगा, अतः आकार किसी का न बढ़ेगा। तो वही हाल है, यहाँ पर आएगा यह लावा, सॉरी यह चट्टान, और यहाँ पर आकर नीचे से फिर मैग्मा मतलब मेंटल में अंदर चला जाएगा और वह अंदर ताप के कारण मैग्मा में परिवर्तित होगा और यह एक चक्र साइकिल पूरा हो जाएगा। हेस के अनुसार ज्वालामुखी प्रपटी से नई प्रपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इनका विनाश भी होता है। हम लोग ऊपर देखेंगे, देख चुके हैं सागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया है, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए, वो तो देख चुके हैं, यह देखिए भूवैज्ञानिक कालों में महाद्वीपों की स्थिति। सबसे पहले महाद्वीप कहाँ था, गेस कीजिए। तो यहाँ देखिए 5400 लाख वर्ष पूर्व महाद्वीपों की गति। एक नंबर अफ्रीका, तो अफ्रीका खोजते हैं। यहाँ देखिए सारे महाद्वीप कहाँ थे, तो दक्षिणी महागोलार्ध में ही थे। उसके बाद यह आठवां नंबर जो है सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में आया, तो ये आठवां नंबर कौन है, तो यह आठवां नंबर है आपका यूरोप। कौन है, आठवां यूरोप है। और यहाँ देखिए हम लोग एक काम की बात है, तो 1200 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ, यह लगभग एक महाद्वीप हो चुका था, यानी कहेंगे कि यह पेंजिया था। और 10 नंबर में साइबेरिया है, मतलब यह दिखाया हुआ है कि किस तरह से महाद्वीप दक्षिण में पहले सब थे, सबके सब महाद्वीप कहाँ थे, दक्षिण में थे, लेकिन उनका प्रवाह उत्तर की तरफ हुआ और आज ज़्यादातर अधिकतर जो महाद्वीप हैं वह उत्तर में स्थित हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है, एक मिनट, पृथ्वी आज भी देखिएगा, पृथ्वी का जो दक्षिणी भाग इसको कहा जाता है अंटार्कटिक, वह महाद्वीप है,
लेकिन उत्तर में आर्कटिक रीजन है, वह महाद्वीप नहीं है, वह बर्फ से ढका हुआ, वह पानी है, लिक्विड है। यानी पहले सारे महाद्वीप क्या है तो इधर केंद्रित थे, लेकिन इनका इस तरह से मूवमेंट हुआ और सब के सब आज उत्तरी गोलार्ध में अधिक हो गए हैं और दक्षिण गोलार्ध में मात्र 19% ही स्थल बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं उनके तर्क के अनुसार, यहाँ देखिए आगे प्लेट विवर्तनी की, यह सबसे नया टेक्निक है। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों व महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। सन 1967 में मैकेंजी पार्कर और मोर्गन, मैकेंजी दूसरा है, पार्कर दूसरा हुआ और मोर्गन तीसरा है, तीन व्यक्ति ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया है। एक विवर्तनिकी प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं, यानी दुर्बलता मंडल के ऊपर, यानी 200 किलोमीटर मोटा भाग, जो ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय व महासागरीय मंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेट दुर्बलता मंडल यानी स्टेनोस्फीयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। यानी क्षैतिज मतलब क्या, मान लेते हैं कि यह दुर्बलता मंडल है, इसके ऊपर यह स्थित है, इस तरह से मान लेते हैं। चलिए है असल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को क्या देखेंगे इसमें, तो जो यहाँ देखिए असल मंडल में क्या, जो हम लोग जानते हैं कि परपटी 35 किलोमीटर और ऊपरी मेंटल यानी यह लगभग 200 किलोमीटर की मोटाई तक को क्या माना जाता है, इसको माना जाता है लिथोस्फीयर। इसमें मेंटल का भी ऊपरी भाग शामिल होता है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबंध है। उदाहरण के लिए प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट में यूरोप क्या भाग है, रूस और चीन है, यानी इसका अधिकतर भाग लैंड मास है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का असल मंडल 7 मुख्य प्लेट व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन बलित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों का सीमांकन करते हैं। सिंपल कल्पना कीजिए ना, जिस तरह हम लोग जाते हैं कहीं पर कोई सामान टूट फूट हो जाए, वेल्डिंग मशीन पर या किसी के हाथ पर टूट जाता है, उस पर प्लास्टर कर दिया जाता है, या वेल्डिंग मशीन पर जब वेल्डिंग होगा ऊपर से ही आपको रेखा ऊपर दिखाई दे देगा, यानी कि उसको मिला दिया गया है। यही जो प्लेट है, प्लेट आपस में टूट गया तो पृथ्वी उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, तो नीचे से जो मैग्मा निकल जाएगी वह इसको अलग न होने देगी। कल्पना कर सकते हैं, समझने के लिए है, और लेकिन हम तो ऊपर से देखकर समझ जाएंगे कि अरे यह दूसरा प्लेट है, दूसरा टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा है, इन सबको जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। चलिए खोजते हैं हम लोग, आपका एक नंबर कहाँ गया, तो सबसे एक नंबर यहाँ देखिए यह आर्कटिक प्लेट है, फिर इसके बाद में दूसरा नंबर यहाँ देखिए यह उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, और तीसरा में कहाँ गया, तो तीसरा यहाँ देखिए यह दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, चौथा नंबर यहाँ देखिए यह इसका क्या नाम है, यह कैरोलिन प्लेट है। कौन है, तो यह कैरोलिन प्लेट है, ये सब बड़ी प्लेट है। क्या हो गया, पांचवा जावा ट्रेंच इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मतलब यह ऑस्ट्रेलिया, जावा और इंडिया तक में विस्तृत में फैला हुआ, तो इसका नाम ही क्या है, जावा ट्रेंच इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यह पांच नंबर। छठा यह अफ्रीकन प्लेट है, थोड़ी सी इसमें दरार है लेकिन यह अफ्रीकन प्लेट यह हो गया, और सातवें नंबर पर यह यूरेशियन प्लेट है। ये सब बड़ी प्लेटें हैं, साथ में कुछ छोटी छोटी भी प्लेटें हैं, जैसे यहाँ देखिए यह अरेबियन प्लेट है, फिर मध्य अटलांटिक कटक नहीं, हाँ यहाँ पर कैरेबियन प्लेट, कोकोस प्लेट और जोआन डी फुका प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, ये सब छोटी छोटी प्लेटों के उदाहरण हैं। और यहाँ देखिए एक मिनट, एस कोसिया प्लेट, यह भी छोटी छोटी प्लेट हैं। और यह देखिए अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा, रूपांतरण सीमा, तो अपसारी सीमा, तो अपसारी सीमा आपको कहाँ मिलेगा, यह अपसारी सीमा है। यह सब क्या है, तो अपसारी सीमा, अपसारी सीमा मतलब क्या कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाए, यानी प्लेटें क्या हुआ तो एक दूसरे से यहाँ पर दूर जा रही है। और अभिसरण यानी कन्वर्जन, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है,
इस तरह से कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि प्लेटें एक दूसरे से आपस में नज़दीक आ रही है पास में। तो जहाँ जहाँ कन्वर्जन होगा वहाँ पर नवीन पर्वत का निर्माण होगा, मूर्धार्च विशाल भीमकाय पर्वत, जैसे कि उसका उदाहरण हिमालय। हिमालय कहाँ है? हिमालय आपका यहाँ पर है। फिर आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर भी एक पर्वत है, उसका नाम क्या है कमेंट कीजिएगा, मैं बता देते हैं, एटलस, यह सबसे बड़ा एंडीज। यहाँ पर रॉकी इस पर्वत का निर्माण होता है। और एक और सीमा था, यह देखिए, यह रूपांतरण सीमा, मतलब कि समानांतर प्लेट, यह समानांतर प्लेट इस तरह से भी हो सकता है, या यह दोनों आसपास पास साथ साथ भी चल सकते हैं, यह समानांतर अभिसरण जोन है। तो समानांतर जो रूपांतरण सीमा कहेंगे इसको, यह कहाँ मिलेगा चलिए खोजते हैं। तो ये आपको अमेरिका के पास में मिलेगा, सेंट एंड्रियाज ब्रांस, कहाँ है तो यहाँ पर, इस तरह की सीमा, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, जो प्लेटें हैं वह एक दूसरे के समानांतर मूवमेंट कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, प्लेट या प्रमुख प्लेट इस प्रकार हैं, पहला देखिए अंटार्कटिक प्लेट, क्या नाम है इसका, अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट शामिल है, जो सबसे पहले हम देखे थे। दूसरा था उत्तर अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तट तल सम्मिलित है, तथा दक्षिण अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तीसरा है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, जो पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप से पृथक होता है। चौथा है प्रशांत महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। पांचवा था इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। छठा था अफ्रीकी प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तट शामिल है। सातवां है यूरेशियाई प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेट जैसे कोगोस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। दूसरा था नजका प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तीसरा था अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। चौथा था एक है फिलिपाइन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। पांचवा है कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। कैरोलिन प्लेट कहाँ, तो फिलिपियन और इंडियन प्लेट के मध्य में है। और फ्यूजी प्लेट, तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। वेगनर की जो संकल्पना थी, देखिए केवल महाद्वीप ही गतिमान है, वह सही नहीं है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है, अतः महाद्वीप चलायमान है। हो सकता है कि प्लेट जो महाद्वीप है दो तीन प्लेटों के मिलने से बना हो, इसलिए हमें ऊपर से देखने में न समझ में आए। प्लेट चलायमान है, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही हैं और भविष्य में भी गतिमान रहेगी। और विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दर्शाया गया है, वो देख लीजिएगा, देख ही चुके हैं। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप, उसका नाम क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट यानी पेंजिया के रूप में विद्यमान था। यद्यपि बात की खोजों ने स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यटन चलायमान थे और पेंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है, यानी डक्कन के आधार पर। प्लेट संचलन के फलस्वरूप तीन प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं, तो देख लेते हैं। एक है अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री, मतलब इसमें क्या होगा, जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दोनों दो दिशा में जा रही है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है, इन्हें प्रसारी स्थान यानी स्प्रेडिंग साइट भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेट उत्तर अमेरिकी व दक्षिण अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं और बीच में कटक का निर्माण होता है।
दूसरा है अभिसरण सीमा यानी कन्वर्जेंट जोन, मतलब क्या होगा इसमें प्लेट ऐसे एक दूसरे के नज़दीक आएगी, नज़दीक आएगी तो टकराव होगा, भूकंप होगा, ज्वालामुखी का निर्माण होगा, भ्रंश का होगा, तो देखिए, और महाद्वीप है तो पर्वत का निर्माण होगा। यहाँ देखिए, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भू प्रॉपर्टी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है, वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है इसे प्रविष्ट क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन भी कहते हैं। अभिसरण तीन प्रकार से हो सकता है, एक महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट यानी मरीन और कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक होगा ओशियनिक यानी महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट दोनों महासागरीय प्लेट हो, और एक होगा दोनों महाद्वीपीय प्लेट के मध्य ही हो जाए। रूपांतर सीमा मतलब ये दोनों समानांतर चलेंगे एक दूसरे के, जहाँ पर न तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होगा न ही प्रॉपर्टी का विनाश होगा, उन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण यह है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है। रूपांतर भ्रंश यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट दो प्लेट को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में सामान्यतः कहा गया एक मिनट रूपांतरण भ्रंश दो प्लेटों को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूसरे प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार की गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी अलग खंडों पर अलग अलग प्रभाव होता है। प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है, अब बताइए, यह भी एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितना बड़ा भी होने वाला है। दो चलिए इसको हम लोग अब यहाँ से प्लेट को संचलित करने वाला बल इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।